हाय एवरीवन, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि फेशियल में एक्यूप्रेशर वाले स्टेप्स किस तरह से लेने चाहिए। ये स्टेप्स हम बिल्कुल प्रॉपर वे में बताएंगे जो एक फेशियल में एक्यूप्रेशर का प्रभाव जाहिर करते रहे। आप टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक छोटी सी बेल आइकॉन है जिसका बटन ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। यह वीडियो आप टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए। यहाँ देखिए, ये फेशियल हम नेचर्स गोल्ड नरिशिंग क्रीम से करके बताएंगे आपको। मेरी स्टूडेंट हैं, वो करके बताएंगी। और ये गोल्ड नरिशिंग क्रीम काफ़ी अच्छी है। इसका जो किट आता है, आप उसको अगर लेते हैं, ये वीडियो विशेषकर बिगनर्स के लिए है, इसलिए हम बताना चाहेंगे कि ये एक पूरा किट है जिसमें क्लिंजिंग है, स्क्रब है, मसाज जेल है, इसके अलावा नरिशिंग क्रीम है और फिर फेस पैक है। तो ये सारे आइटम इस किट में हैं जो एक पार्लर में चलाने के लिए इस क्वांटिटी का जो किट है वो काफ़ी अच्छा है। आपको इसकी एमआरपी हम बताते हैं, पार्लर के हिसाब से 1500 रुपये का ये किट है। और अगर इससे बड़े साइज़ में भी हम लेते हैं तो हाफ़ केजी के पैकेजिंग में आते हैं, वो भी आप मंगा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप पार्लर खोल रहे हैं तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसी तरह का किट लें तो ज़्यादा बेटर है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये कहा था कि आप हमको एक इसकी भी जानकारी दीजिए कि पार्लर खोलने से पहले उसके लिए हमको किस तरह का किट लेना चाहिए, उसकी क्या रेट होगी। तो वही हमने सब बताना उचित समझा है कि पार्लर के हिसाब से स्टार्टिंग में आप इसी तरह का किट लीजिए। 1500 रुपये में काफ़ी सारे फेशियल हो जाते हैं। 1500 रुपये में अगर 15 फेशियल होते हैं तो फिर काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, काफ़ी हमको बचत हो जाती है। और ये अगर आपका पार्लर अच्छे से चलने लगता है तो उसके बाद में आप अलग तरह से भी ले सकते हैं। अगर इसका फेस पैक आपका बचा हुआ है या फिर मान लीजिए आपका क्लिंजिंग बचा हुआ है और नरिशिंग क्रीम और जेल आपका ख़त्म हो गया है, ये स्क्रब, तो आप उसके बड़े हाफ केजी के जो डिब्बे में आते हैं आप वो भी ले सकते हैं। जो चीज़ ख़त्म हो गई वो उसमें ले लें तो उससे भी काफ़ी आपको बचत वाली जो चीज़ है वो दिखाई देगी। यहाँ देखिए, ये नेचर्स गोल्ड नरिशिंग क्रीम से मसाज देने का तरीका देखिए। फेस क्लीन किया हुआ है और ये फेस पर नरिशिंग क्रीम को लगाया और चारों तरफ फेस पर हमने फैलाने के बाद में फिर ये स्टेप्स लेना शुरू किया। अभी हमने मेरी जो स्टूडेंट है उनको सिखाया है, उन्हीं के माध्यम से हम करके बता रहे हैं करवा के कि किस तरह से एक एक्यूप्रेशर स्टेप्स के साथ में आपको फेशियल में स्टेप्स लेने चाहिए। ये स्टेप्स हमारी स्किन को ग्लो का काम पहुंचाता है और जो डलनेस है उसको ख़त्म करता है। ये यहाँ देखिए, रोज़ वाटर और पानी का यूज़ हमने किया है क्योंकि गीला हाथ जब बार बार करना होता है तो उससे हाथ का जो मूवमेंट है, जो हाथ फिंगर से मसाज देते हैं उसमें एक लचक आ जाती है, एक लचीलापन आ जाता है, एक स्मूथनेस आ जाती है और एक सॉफ्टली ये मसाज हो पाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्रीम को फैलाने के बाद में गीला हाथ किया, फेस क्लीन होना चाहिए सबसे पहले। मेरी क्लाइंट के फेस क्लीन था इसलिए देखिए स्टार्ट कर दिया है। और ये अब फैलाने के बाद में देखिए हम बताते हैं आपको कि कहाँ हमको
स्टेप को प्रेशर के साथ में लेना है, कहाँ हमको फिंगर टिप्स को लूज छोड़ना है और कहाँ हमको मीडियम रखना है। तो ये देखिए, हमारे फेस की स्किन कई भागों में बटी हुई है। चिन है वो थोड़ी स्ट्रांग है हड्डी के ऊपर, नोज़ का पोर्शन है, फॉरहेड का पोर्शन है, ये थोड़ा स्ट्रांग पोर्शन माने जाते हैं। तो यहाँ हम प्रेशर पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमको फेस पर मसाज ओनली फिंगर टिप से ही देनी चाहिए। फिंगर टिप से जब मसाज देते हैं तो हाथ हमारा बहुत लाइट, सॉफ्टली और जेंटली काम करता है। किसी तरह का एक ऐसा प्रेशर नहीं होता है जिस तरह से कि मसाज में एक प्रेशर वाला हाथ होता है। यहाँ हमने बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली इस मसाज का करने का तरीका बताया है। हम ये इस तरह से देखिए, चिक्स के पास इस तरह से फिंगर टिप से राउंड राउंड शेप में या इस तरह से मसाज देंगे। नेक एरिया पर हम बहुत लाइटली दोनों साइड से कवर करेंगे। ईयर के पोर्शन को भी अवॉइड नहीं करेंगे। और ये देखिए, नोज़ के पास इस तरह से करेंगे। नोज़ से लेकर फॉरहेड तक के जो स्टेप को हम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ हड्डी का पोर्शन होता है, और थोड़ा टेंशन पॉइंट पर भी हम प्रेशर देंगे। तो यहाँ एक्यूप्रेशर वाला जब हम पॉइंट को दबाकर स्टेप्स लेते हैं तो फिर बहुत ही आराम मिलता है, और आराम मिलने के साथ साथ स्किन भी काफ़ी एक नई, उसमें उत्तेजित स्किन दिखाई देती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। आई बॉल पर बिल्कुल फिंगर टिप को हम टच करते हुए राउंड राउंड शेप में करेंगे, जिससे कि कोई किसी तरह का प्रेशर ना रहे। इसके अलावा देखिए, नोज़ के पास ब्लैकहेड्स होते हैं, व्हाइटहेड्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हमने इस तरह से थोड़ा अंगूठे से मसाज दी। अपर लिप पर विशेषकर ध्यान रखेंगे, और चीक्स पर बिल्कुल ही सॉफ्टली लाइटली, अपर लिप पर सॉफ्टली लाइटली करेंगे। और ये पूरी मसाज इस तरह से देने के बाद में हम इस तरह से अब मसाजर यूज़ करेंगे। मसाजर यूज़ करने का तरीका देखिए आप, कि हाथ से मसाज जब प्रॉपर वे में दे देते हैं तो 2 मिनट के लिए मसाजर अगर हम यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस फेस मसाज से, एक्यूप्रेशर वाली मसाज से देखिए, बहुत ही ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो एक बार थोड़े से थकान के कारण, एग्जॉशन के कारण, या फिर एक डलनेस के कारण या क्लाइमेट के कारण इस तरह से हो जाते हैं कि बिल्कुल एक निर्जीव की तरह हो जाते हैं, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट से ये फिर से स्किन वहाँ की न्यू जेनरेट अवस्था में लाकर वो स्किन काफ़ी न्यू जेनरेट होकर एक अच्छा रिजल्ट देती है स्किन को। ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होता है तो ये अंदर तक नरिशिंग क्रीम पहुँचने के बाद में एक्यूप्रेशर से ये भी काम होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम जब करते हैं तो हमारे सारे मसल्स, सारे मांसपेशियाँ एकदम न्यू जनरेशन के साथ में, और डेड सेल्स को रिमूव करना और न्यू जनरेट सेल्स को करना, ये सारे काम अच्छे से होते हैं, जिससे हमारे फेस की स्किन और भी ज़्यादा एक अच्छे ग्लो के साथ में हमको दिखाई देती है। हमारी स्किन जो डेड दिखाई देती है, जिसके कारण डलनेस फेस पर दिखती है या फिर डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं, और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम या अंडर आइज़ की प्रॉब्लम जो होती है, तो फिर ये सारी चीज़ें एकदम रिमूव हो जाती हैं। हमको फेशियल बिल्कुल इसी तरह से करना चाहिए जैसा कि अभी आपने देखा। फेशियल के बाद में हमने चिल्ड नैपकिन भिगोकर, चिल्ड नैपकिन करने के बाद में फेस पर ये स्टीम दी, जिससे कि और भी ज़्यादा स्किन पर एकदम ग्लो हो जाएगा। जो ब्लड सर्कुलेशन के कारण, एक्यूप्रेशर पॉइंट के कारण हमारी स्किन का थोड़ा सा ब्लड तेज़ी से हो रहा था, वो एक बार सेट हो गया। और ये एक तरह से कोल्ड स्टीम जो दी है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब देखिए, ये नेचर्स गोल्ड का
फेस पैक है, जिसको फेस मास्क भी बोलते हैं, उसको इस तरह से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये भी बता रहे हैं कि एक्यूप्रेशर के साथ में जो फेस की मसाज दी है नरिशिंग क्रीम से, उसके रिजल्ट क्या हैं, और उसके नरिशिंग क्रीम के बाद में पोर्स खुल जाते हैं, मसाज के जरिए पोर्स खुल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है तो पोर्स खुल जाते हैं, और जो अंदर की गंदगी नरिशिंग क्रीम अंदर तक पहुंची तो पोर्स खुलने के बाद में वो गंदगी बाहर आ जाती है ब्लड सर्कुलेशन के कारण। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जब हम प्रेशर के हिसाब से काम करते हैं तो फिर पोर्स खुलते हैं और गंदगी बाहर आती है, तो उन पोर्स को पैक करना बहुत आवश्यक होता है, जिसको हम या तो फेस पैक के जरिए पैक करते हैं, या फिर आइस क्यूब के जरिए पैक करते हैं, या स्किन पर किसी भी तरह की टोनिंग करते हैं, या टोनर आपके पास है तो टोनर यूज़ करते हैं। इसलिए ये पोर्स को बंद करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि दोबारा से ये बाहर की गंदगी खुले हुए पोर्स के जरिए अंदर स्किन तक ना पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये देखा आपने कि एक्यूप्रेशर वाले फेशियल मसाज में किस तरह से करते हैं, तो हमारे स्किन को क्या लाभ होता है, और किस तरह के एक बेस्ट रिजल्ट हमारी स्किन को मिलते हैं, जैसे कि आपने देखा। एक फेशियल करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो भी हमने एक्सप्लेन किया है। फेशियल करने से पहले हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि टाइप ऑफ स्किन कौन सी है। अगर स्ट्रांग है तो हम उसी तरह का एक्यूप्रेशर पॉइंट पर प्रभाव रखेंगे, अगर स्किन ठीक-ठीक है तो हम उस पर उसी तरह का एक्यूप्रेशर देंगे, और अगर स्किन इस तरह की है कि वो बहुत ही मीडियम है, ना ज़्यादा स्ट्रांग है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टली स्किन हमको दिखाई दे रही है, तो सॉफ्ट स्किन भी नहीं है और स्ट्रांग भी नहीं है, तो हम मीडियम हाथ रखेंगे। एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है, प्रेशर दबाना होता है, वो हम मीडियम रखेंगे। ये देखिए, ये हमने फिर से स्टीम दी फेस पैक सूखने के बाद में, और स्टीम देने से दो फायदे हो गए, एक तो फेस पैक अलग हो गया स्किन से, और दूसरा एक अलग होने के बाद में ये फेस पैक बहुत ही आसानी के साथ में फेस से रिमूव हो जाएगा। फेस को वॉश जब करते हैं फेस मास्क हटाने के लिए, तो कभी भी खींचातानी करके नहीं हटाना चाहिए, जिस तरह से हमने आपको ये बताया है उसी तरह से आप फेस वॉश करिए। तो विश्वास है फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए विशेष तौर से हम बताना चाह रहे हैं कि फेशियल करने का तरीका पूरा इसी तरह से होना चाहिए स्किन के अकॉर्डिंग, या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तभी फेस पर ज़्यादा प्रभावकारी फेशियल होगा और उसके बेस्ट रिजल्ट आपके सामने आएंगे। तो ये वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपनी कमेंट बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।